अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए विन वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने OPPO F3 के 6 महीने के यूसेज की रिव्यू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इसके प्लस पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं आप लोग दिन ब दिन नए नए फ्लैगशिप फोन्स वो सभी आते रहते हैं, लेकिन हम उसी तरह फोन्स को चेंज नहीं कर सकते। हम फोन बहुत दिन लंबी दिनों तक हमारे काम आए इसके लिए ही हम लोग फोन्स खरीदते हैं और ये मेरी डेली ड्राइवर फोन है। तो ये रही हमारी OPPO F3 के हालत 6 महीने के रेगुलर यूसेज के बाद। इसके बाद हम देखेंगे कि इस जो प्लास्टिक के ये कवरिंग हमें दिखाई दे रही हैं, इसे कंपनी वालों ने ही प्रोवाइड किया था बॉक्स के अंदर ही। तो सब पहले तो ये ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छी थी, अभी ये इस तरह एलोइश हो चुकी है। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं मालूम। इसकी वजह से बैक कवर में कोई स्क्रैचेस हो कुछ भी नहीं आई और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको उन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड किया है हमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके आगे हम चलते हैं फ़ोन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये टेम्पर्ड ग्लास कंपनी वालों ने ही प्रोवाइड किया था और इसे मैंने 2-3 बार 90 सेंटीमीटर या फिर आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर के हाइट से मैंने गिराया है बाय चांस, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स हो या कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परमानेंट मार्किंग हो चुकी है, तो इसे आप पोंछ कर देख लीजिए। क्योंकि इसके अंदर का इसके ग्लास नहीं, इसके ऊपर के टेम्पर्ड ग्लास है, इसलिए इसके ऊपर ये सभी आप मार्किंग्स इससे जितना चाहे पोंछ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको ये क्लीन नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे स्क्रैचेस आप लाइट पर रखने पर आप भी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रैचेस इसके ऊपर। और पीछे की तरफ हम देखें तो पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक में वो सारे इन्फॉर्मेशन IMEI के इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक स्टिकर लगी हुई दी होगी, उसे आपको संभाल के रखना होगा अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं। ये कंपनी ने ही इसके ऊपर दिया था, उसे मैंने संभाल के रखी है। तो ये शायद गोल्डन थी, अभी तो सिल्वर हो चुकी है, सॉरी इसके कारण अभी हो सकता है वो, ये मेटेलिक है और अच्छी है, कोई तरह किसी तरह के कोई मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप छोटी सी डेंट्स आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये रहे इसके आउटर फीचर्स 6 महीने के बाद। अब यहाँ पर आप एक परमानेंटली इस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह बन चुकी हैं, इसे हम कुछ भी करने से भी ये नहीं मिट रही। आप इन टेम्पर ग्लास को चेंज कर सकते हैं, आपकी फ़ोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं कहीं पर कोई डस्ट नहीं है। चलिए इस फ़ोन के प्लस पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अनलॉकिंग फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख सकते हैं, जितने चाहे उतने अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। ये सिर्फ 0.2 सेकेंड में ये अनलॉक हो जाती हैं। और इस फ़ोन की एक बहुत ही मुझे एक पॉइंट ये अच्छी लगी कि बहुत ही स्टेबल फ़ोन है आपके डे टू डे ड्राइव, आपके डे टू डे यूज़ के लिए और एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज के लिए। आप लोग ने देखा होगा मैंने इस पर 20 GB 30 GB तक के फाइल्स को भी डाउनलोड किया है, क्योंकि इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है। तो
64GB मेमोरी का आप एक ही फायदा हम बोल सकते हैं, बहुत सारा कचरा। तो जैसे जैसे हम एप्स इंस्टॉल करते जाते हैं, उनका यूज हो या ना हो, हम उसे अनइंस्टॉल नहीं करते और बहुत सारे डेटा भरते हुए चले जाते हैं अपने फोन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अबाउट के बारे में देखेंगे इस फोन के, तो इसका हम अभी भी सिक्योरिटी पैच दिसंबर पर एक 4 दिन पहले इसे लास्ट अपडेट मिला था, यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग भी प्लीज़ अपडेट कर दीजिए। और ये एंड्रॉयड वर्शन 6 पर ही अभी चल रहा है। स्टोरेज के बात की जाए तो आपको बहुत सारी स्टोरेज मिलती है, आप सभी एप्स गेम्स बहुत सारे स्टोरेज कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स के बारे में अभी हम इसके प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दी जाए तो अच्छी स्टेबल फ़ोन है आपके डे टू डे यूज़ के लिए। मुझे कभी भी आज तक कोई लैगिंग इस पर नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ इसके ऊपर जो इसके डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन है ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, आपको जो लॉन्चर चाहिए आप पहले उसे डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद आप सेटिंग्स पर जाकर ऐप मैनेजमेंट और डिफॉल्ट ऐप में, यहाँ पर आप देख रहे हैं होम स्क्रीन, यहाँ से आप जो आपको पसंद है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर चेंज होम स्क्रीन कर दीजिए। आपको कुछ दिक्कतें होंगी कि अपने आप ही पहले होम स्क्रीन पर चली जाएगी बार बार और इनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन ये होम स्क्रीन ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी इस्तेमाल करके देखिए इस फ़ोन के ऊपर, क्योंकि आपको डेली एक नया वॉलपेपर मिल जाती है इसके ऊपर बिंग वालों की। तो ये सभी प्रॉफिट हैं। और दूसरी बैटरी के बारे में हम बोला जाए तो ये चार्ज बहुत क्विक चार्ज इसके अंदर है या नहीं उसके अभी भी मुझे डाउट है, लेकिन चार्ज तो बहुत क्विकली ये चार्ज हो जाती है फ़ोन। और एक दिन आप कोई भी बिना कोई टेंशन के आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप 20% के नीचे चले जाएं, आप सभी काम बंद कर दीजिए, तो ये आपको एक दिन का आप यानी कि 12-14 hours के आपको बैटरी यूसेज इस फ़ोन में आपको मिल जाती है। तो अगले चलिए ड्रॉबैक्स के बारे में हम कहा जाए तो इसे एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन, ये ओप्पो कंपनी तो बहुत सारे पैसे तो इस तरह पकड़ने से गोल्डन लग जाती है, लेकिन ये तो नहीं है। ओप्पो कंपनी तो बहुत सारे पैसे मुझे लगता है एड्स पर ही डालती है। ये पिछले साल की हम फ्लैगशिप कह सकते हैं इस मॉडल को, लेकिन आज तक इसको ऑफिशियली नोगट अपडेट भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी एंड्रॉयड वर्जन 6 पर ही है ये हमारा फोन। एंड्रॉयड वर्जन 6 पर है, 4 दिन पहले अपडेट आई थी और दिसंबर सिक्योरिटी पैच दिसंबर 5 2017 की बता रही है। आप लोग इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि हाँ ये तो ओप्पो F3 नोगट अपडेट आएगी, भगवान ही जाने इसके अपडेट कब आएगी। इसके उपरांत मुझे इसमें कोई भी ड्रॉबैक नज़र नहीं आई। आप लोग कैमरे के बात की जाए तो मैं उतनी ज़्यादा फोटोज़ या कैमराज नहीं लेता, फोटोज़ और क्लिक नहीं करता। यहाँ पर आप लोग कुछ इमेजेस देख सकते हैं। आप फ्रंट कैमरा जो है हमारी वो थोड़ी स्क्रीन को आप साफ करने से आप फिर ये कैमरा अच्छी है। इसमें तो फ्रंट 16 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा मिल जाती है, सेल्फी कॉन्सेंट्रेटेड फ़ोन है।
लेकिन आप सभी हाई एंड गेम्स आप बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं इसके अंदर। देखेंगे जब भी इसके नोगट अपडेट आएगी मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, लेकिन अभी तो इस पर कोई भी नोगट अपडेट या फिर वर्शन के हायर होने की कोई अपडेट इसमें नहीं आई। और दूसरे तरीके से मैं अभी तक नहीं ट्राई किया है मैंने, तो आप इस पर यूट्यूब और सभी तरीके से ऐप बहुत ही क्लियरली यूज होते हैं। डेली ड्राइवर की तरफ से कहा जाए तो आज भी ये बहुत अच्छी फोन है। एक दिन इसमें 3.5 mm के जैक भी है। अब म्यूजिक हम ठीक ठाक कह सकते हैं, म्यूजिक और चार्जिंग भी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।